तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग जो डोनट यूज़ करते हो ब्राइड्स के या क्लाइंट्स के, जिससे हम लोग बन बनाते हो, उसको कट करके आप कैसे पफ के लिए स्टफिंग बना सकते हो। बहुत इजी तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, क्राउन का सी सेक्शन को अलग करना है जहाँ पर आप पफ करने वाले हो। उसके बाद आपको इस तरह से बहुत ही हार्ड वैक्यूम करना है एंड उसको स्प्रे से अच्छी तरह से उसको होल्ड करना है, क्योंकि हम जो स्टफिंग को बैठाने वाले हैं, हम इसी के मदद से हम उसको होल्ड करने वाले हैं। तो अभी हम फिर से नेक्स्ट एक सेक्शन ले रहे हैं एंड इसको हम उसी तरह से वैक्यूम करेंगे। सबसे पहले वाला सेक्शन में जो हमने वैक्यूम किया है वो सबसे ज़्यादा हार्ड किया है, बहुत ऊपर तक किया है, ताकि हमारा स्टफिंग बिल्कुल भी हिले ना किसी भी तरफ। एंड उसके बाद जो हमने सेक्शन लिया उसको जस्ट रूट पे अच्छे से वैक्यूम किया है। आप लोग यहाँ पे देखो, अभी हमारा स्टफिंग को फिक्स करने के लिए बहुत अच्छा सा एक हार्ड बेस वहाँ पर बन चुका है। तो ये रहा, हम लोग डोनट को कट कर लिए हैं एंड कट करके इसको जस्ट इस तरह से रोल करते हुए इसको हम इस तरह का कुछ स्टफिंग बना लेंगे। एंड स्टफिंग को बनाने के बाद हम इसको चारों तरफ से यू पिन से लॉक करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग बहुत इजीली यू पिन से लॉक कर सकते हो, क्योंकि स्टफिंग में नेट्स होते हैं, तो आप लोग हेयर को बहुत इजीली आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। अभी आप लोग बोलोगे मार्केट में तो बहुत सारा ऐसा हार्ड स्टफिंग मिलता है फॉर पफ, बट गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप लोग प्रोफेशनल काम करते हो देन वो स्टफिंग सब बिल्कुल भी आइडियल नहीं होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पफ दिखते हैं। ये आप देखो, बहुत ही स्लाइट सा बेस हमने क्रिएट किया है ताकि हमें जस्ट एक बाउंस लुक अच्छे से क्लाइंट का मिल जाए। ये तो हम अगर चाहें तो हम वैक्यूम करके भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दुपट्टा सेटिंग करना है तो उसके लिए तो आपको स्टफिंग डालना पड़ेगा। अगर ब्राइट का दुपट्टा हेवी हुआ तो बिल्कुल भी आप विदाउट स्टफिंग उसको किसी भी तरह से होल्ड नहीं करा सकते। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा हार्ड बेस बन गया उसके ऊपर जो मैंने स्टफिंग डाला, इससे क्या होगा ना, हमारा स्टफिंग बिल्कुल भी इधर उधर हिलेगा नहीं, इसका हिलने का चांसेस बिल्कुल कम हो गया, हमने इसको लॉक कर दिया है। अभी हमारा जो बाकी का रिमेनिंग हेयर है उसको जस्ट सेक्शन बाय सेक्शन लेते हुए हम उसको वैक्यूम करेंगे, होल्ड स्प्रे से फिक्स करेंगे एंड पफ को क्रिएट करते रहेंगे। जिस तरह से गाइस आप लोग नॉर्मल पफ उसके बाद क्रिएट करते हो, उसी तरह से जस्ट स्टफिंग के ऊपर से आपको हेयर को लेके आना है। तो गाइस इसी तरह से आप पफ को क्रिएट कर लो। ये स्टफिंग आप तभी फिक्स करना अगर आपके ब्राइड को दुपट्टा फिक्स करना है, और दुपट्टा अगर बहुत ज़्यादा हेवी है तो। बट अगर ब्राइड का दुपट्टा बहुत लाइट है और अगर नॉर्मल है तो आप लोग नॉर्मल अच्छे से वैक्यूम करके भी उसको होल्ड करा सकते हो। अगर हेवी दुपट्टा है तो ये स्टफिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऊपर से एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा बाउंस लुक भी दिखता है विद दुपट्टा, जो बहुत ही आइडियल लुक होता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो गाइस ये मैंने आप लोग को बता दिया, अगर आप लोग को दुपट्टा सेट करना है हेवी दुपट्टा, तो ये जो डोनट कट करके हमने स्टफिंग को यूज किया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप लोग को समझ में आया किस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना, डोनट को लेना है, उसको बीच में से कट कर देना है और ओपन कर देना है। वो ओपन हो जाने से कुछ इसी तरह का दिखता है, उसके बाद हमें उसको रोल करते हुए जो स्टफिंग को बना लेना है एंड उसको हमें इसी तरह से हेयर पे फिक्स कर देना है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे पफ मैंने क्रिएट कर लिया है, बहुत अच्छा सा एक बाउंस हमें मिल चुका है, बहुत ही स्लाइट बाउंस है, ना बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ हमें दिखने को मिल रहा है। तो हमने पफ को क्रिएट कर लिया, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट बाउंस हमें मिल चुका है। अभी हम जस्ट उसको स्टील क्लिप से लॉक करेंगे, उसके बाद हम इसको पीछे की तरफ बॉब पिन से लॉक कर देंगे। तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताने वाली हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो मैंने हेयर स्टाइल क्रिएट किया वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाने वाला है। बहुत जल्दी आप मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है हेयर स्टाइल का, बहुत अच्छा सा एक ब्राइडल हेयर स्टाइल आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आप वो ब्राइडल पर भी कर सकते हो, आप वो रिसेप्शन, हर एक लुक पे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ये रहा फाइनल चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी, विद डोनट आप कैसे पफ को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप दुपट्टा फिक्स करोगे गाइज, बहुत इजीली वो फिक्स हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।